हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू डी लव स्पोर्ट्स। मैं हूं इमरान और मेरे चैनल पे आपका दोबारा से एक बार स्वागत है। आज हम हर बार की तरह एक नए बैट के साथ आए हैं, नए बैट का रिव्यू है और इस बैट का मैं पूरा एक प्रीव्यू बताऊंगा आपको। तो ये एक नए टाइप का बैट है जिसका मैं आज फर्स्ट टाइम प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने जो भी पहचान वाले उनके साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और लास्ट में मेरे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करें ताकि मेरे आगे के सारे अपडेट्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके और आप उन वीडियोस को देख सके। ओके, चलिए तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप आगे बढ़ते हैं। तो आज के बैट में एक खासियत है, आज का जो बैट है वो एक नए टाइप का बैट है। ये बैट एक सीजनल बैट है, सीजन बैट नहीं, सीजनल बैट। सीजनल बैट मतलब जो स्पेशली एक सीजन के लिए यूज किया जाता है। तो आपको थोड़ी सी हिंट मिल गई रहेगी, तो ये बैट जो है इसको स्पेशलाइज्ड सीजन के लिए बनाया हुआ है, जो रेनी सीजन के लिए बनाया हुआ है, जिसको एक तरीके से रेनी बैट्स भी बोला जाता है। ओके, तो ये दूसरा हिंट, तीसरा हिंट ये है, ये बैट कलर्ड बैट है। तो अब आपको एक हिंट मिल जाएगा कि मैं किस बैट का प्रीव्यू करने वाला हूँ। तो ये कलर्ड बैट है और इस बैट का नाम मैंने रखा है ब्लैक पैंथर। तो अब इससे आपको एक और हिंट मिल गई रहेगी कि ये बैट का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। तो ब्लैक जैसे कि मेरा फेवरेट कलर है, तो इस बैट का कलर हम लोगों ने ब्लैक रखा है। ये है वो बैट जिसका मैं आज प्रीव्यू करने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया बैट है, ये मेरे हाथ में है। इसको एक हाथ में लेते से एक अलग सा फील आता है, एक प्रीमियम फील आ रहा है, कुछ अलग चीज़ है हाथ में। और ब्लैक कलर एकदम अपीलिंग कलर रहता है, तो इसको हाथ में लेते से आप देख रहे होंगे कि इस बैट का जो लुक और गेटअप है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम खूबसूरत बैट लग रहा है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, इसके पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए बैट, ज़बरदस्त बैट है, इसका पूरा ओवरव्यू। ये बैक, ये फ्रंट, ये साइड, ये जो डिज़ाइन के अंदर जो कलर्स है ये अलग दो तीन कलर्स में आ सकता है। अभी फिलहाल में एक सैंपल हम लोगों ने बनाया है वीडियो के लिए, तो इसके अंदर अंदर से थोड़ा रेडिश शेड दिया हुआ है स्कूप में। ये दो या तीन स्कूप में ही मिलेगा, जैसे अभी ये जो चार नॉचेस है इसमें बीच में एक सी कट आता है, ऊपर से दो डॉट्स आते हैं, वो एक हो जाएगा, एक छः नॉचेस वाले है। तो दो या तीन डिज़ाइन में ही ये बैट अवेलेबल होगा। और प्लस अगर आपको विदाउट स्कूप में चाहिए, विदाउट स्कूप में भी एक कलर वाला बैट मिल जाएगा, जो पूरा बैट होगा, फुल बैट, इसमें स्कूप नहीं होगा अंदर। ठीक है, तो मैं सब डिटेल्स दूंगा आपको। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बैट का मैं आपको क्लोज व्यू बताता हूँ। इस पर लैमिनेशन लगा हुआ है, तो आपको हो सकता है थोड़ा शाइनिंग दिखे। और प्लस एक खासियत, एक आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ये बैट में कलर है, तो आपको जैसे एक इंटेंशन होता है कि ग्रेन्स दिखेगा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस विलो के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कश्मीर विलो है, सेम ग्रेड का, जिस ग्रेड का बैट हम लोग दूसरा बनाते हैं, जो मेरे नॉर्मल बैट्स होते हैं कश्मीरी विलो के, जो ग्रेड वन बैट्स होते हैं, उसी क्वालिटी का बैट है। सिर्फ इतना है कि इस पर कलर कोटिंग की हुई है, सिर्फ इसलिए ताकि जैसे अगर आप रेनी सीजन में अगर आप खेलोगे इससे तो वुड पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा जो है पानी इस कलर को, जो कलर के वजह से जो है पानी जो है प्रिवेंट होगा अंदर जाने से। ओके, तो ये है, बट वुड का क्वालिटी सेम है। आप वुड का क्वालिटी उतना डिटेल में नहीं देख पाओगे बिकॉज इस पर कलर लगा हुआ है, बट वुड का क्वालिटी, गाइज मैं बोल रहा हूँ, वुड का क्वालिटी वही है जो क्वालिटी का हमारा दूसरा बैट्स बनता है। तो ये प्योर कश्मीर विलो में हम लोगों ने बैट्स बनाया है। इसका फिर भी मैं आपको एक क्लोज व्यू देता हूँ जैसे आप नज़दीक से देख सको इसको। तो इस पर लैमिनेशन लगा हुआ है, इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा शाइनी दिखेगा। ये इसका साइड व्यू, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि बैट किस टाइप का है, किस तरह का है, आप उसको देख सको। ये है इसका बैक व्यू और इस शेड में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें दो या तीन शेड आ सकते हैं इसके अंदर के, मैक्सिमम हम लोग ट्राई कर रहे हैं दो ही शेड रखने का ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो उसमें। एक या तो ये होगा या एक थोड़ा गोल्डन शेड में हो सकता है, तो अभी वो डिसाइड होगा, या तो रेड शेड होगा या गोल्डन शेड होगा, या तो दोनों भी रख सकते हैं। तो ये इसका बैट का जो है शेडिंग होगा। तो ये है ब्लैक कलर, इसका नाम जैसे मैंने बताया ब्लैक पैंथर, ये हम लोगों का डिसाइड किया हुआ है। तो जस्ट एक वीडियो के लिए इसको एक नाम देना था। आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बैट है दूर से इसका। देखिए मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं इसकी प्रोफाइल की। तो ये आएगा फुल कैन हैंडल में,
फुल कैन हैंडल रहेगा और कश्मीरी विलो बैट रहेगा। इसमें हम लोग जो है तीन वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। पहला आएगा सिंगल ब्लेड जो 38-40 mm में आता है, दूसरा आएगा डबल ब्लेड जो 45 mm में आता है, और तीसरा आएगा डबल ब्लेड जो 50 mm में आएगा। तो इसमें तीनों भी वेरिएंट्स बनेंगे, आपको जिस हिसाब से चाहिए आप वो हिसाब से आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों वेराइटी रहेगी, आप अपने हिसाब से उसमें ऑर्डर दे सकते हैं। इसका वेट भी मैं बता दूं, बिकॉज ये तो सैंपल बैट है, तो जो हिसाब से आप ऑर्डर दोगे उस हिसाब से इसका वेट रहेगा। सिंगल ब्लेड का आप अगर ऑर्डर दोगे तो वो 950 ग्राम से 1 kg के बीच में उसका वेट जा सकता है। डबल ब्लेड में 45 mm का अगर आप ऑर्डर दोगे तो उसका वेट जाएगा तकरीबन 1050 ग्राम से 1100 ग्राम के बीच में। एंड अगर आप उससे हैवी वाला ऑर्डर देते हो जो 50 mm होता है, 50 mm ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड। बहुत से लोगों को क्वेरी होता है कि ब्लेड mm मतलब क्या होता है, ब्लेड क्या होता है, तो जो एरिया हिटिंग एरिया होता है, जब सबसे जो मोटा हिस्सा होता है बैट का, उसको बोलते हैं ब्लेड। तो ये आता है, तीसरा आएगा 50 mm में। तो 50 mm में जो बैट होता है वो भी 1050 से 1100 या मोस्टली 1150 ग्राम तक जा सकता है। तो ये उसका वेट होगा और उसका ब्लेड्स मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो चौथा वेरिएंट आएगा जो बिना स्कूप के होगा, जैसे अभी बहुत से लोग को स्कूप पसंद नहीं आता, लोग बोलते हैं हमको प्लेन बैट चाहिए पूरा, तो उसमें हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोग 50 mm का उसमें नहीं बनाएंगे, बिकॉज 50 mm का अगर मैं बनाने जाऊँगा तो उसका वेट बहुत हैवी चला जाएगा। तो हम लोग उसमें सिंगल ब्लेड और डबल ब्लेड 45 mm तक ही बनाएंगे। तो उसमें वेट आपका जा सकता है 1100 ग्राम से 1200 ग्राम तक। तो वेट का आप थोड़ा सा ध्यान में रख के ऑर्डर देना अगर आपको हैवी वेट पसंद है या जिस हिसाब से आप खेल सकते हो। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा आइडिया आपको वेट के बारे में और डिज़ाइन के बारे में। अब ये बैट से आप किस बॉल से खेल सकते हो, तो बट ऑब्वियस कश्मीर विलो है तो आप उसको हार्ड टेनिस बॉल से तो खेल ही सकते हो। जो सिंगल ब्लेड का मैंने बताया उसको प्रेफरेबल करना सॉफ्ट टेनिस बॉल से, और बाकी जो डबल ब्लेड के जो बैट्स होंगे जो 45 mm और 50 mm, उसको आप इजीली हार्ड टेनिस बॉल से खेल सकते हो। उसके अलावा आप इसको रबर बॉल से खेल सकते हो, बिकॉज टेनिस जो रेनी सीजन में जो मैचेस चलती है या जो मैचेस होती है वो रबर बॉल से होती है, टेनिस बॉल से कम खेलते हैं बिकॉज टेनिस बॉल भीग जाता है पानी से। ओके, तो रबर बॉल से आप इसको इजीली खेल पाओगे और रबर बॉल से इसका स्ट्रोक अच्छा जाएगा। आप देख सकते हो उसका साउंड, तो ठोस लकड़ा है एकदम, प्योर कश्मीर विलो ग्रेड 1। और अब मैं इसकी, ये देखिए मैं आपको वापस से एक बार साइड में दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बैट लग रहा है इसका शेप। ये देखिए आपको यहाँ से बताता हूँ, इसमें कॉनकेव है हल्का सा, ये यहाँ से घुमा हुआ है बैट, स्लाइटली घुमा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज टेनिस बैट में उतना कॉनकेव का जरूरत नहीं होता है, इसको स्लाइटली घुमा हुआ है, देखिए आप इसे देख सकते हैं, बॉटम भी अच्छा खासा है इसका। ओके, तो अब इसमें एक और चीज़ है, ये हम लोग ये जो बैट है ये तो ब्लैक कलर में है, हम लोग इसमें दो कलर वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं, एक ब्लैक कलर रहेगा, एक इसमें आएगा ब्लू कलर जो नेवी ब्लू कलर होता है। तो ये दो कलर दो शेड में आएगा, या तो स्पार्कल ब्लू होगा या तो नेवी ब्लू होगा, वो अभी डिसाइड होगा। तो ये दो कलर में ये बैट लॉन्च होगा, स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगे, क्वालिटी सेम रहेगी, सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ इसमें कलर ऑप्शन दो होगा, या तो आप ब्लैक कलर में ऑर्डर कर सकते हो या तो आप ब्लू कलर में। ब्लू कलर भी मेरे पास रेडी नहीं है, वरना मैं इसको वीडियो में बताया होता, अभी मेरे पास रेडी में सिर्फ ब्लैक कलर है जो सैंपल है, सैंपल बैट है वीडियो के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके बैलेंस की। तो बैलेंस जैसे कि हमेशा मेरे हर बैट की तरह ही होगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस होगा, उसमें मिडल में इसको बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस जो है इसका बॉटम में नहीं है, मिडल में है, तो आप इसको इजीली बैट को लिफ्ट कर सकते हो और किसी भी डायरेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बैक लिफ्ट जो है एकदम ईजिली हो रहा है, ये स्क्वायर कट हो गया, या इसको फुल डायरेक्शन में खेलना है या इसको लॉफ्टेड खेलना है, ईजिली किसी भी डायरेक्शन में मूव होगा। तो बैलेंसिंग वाइज नो इश्यूज, जैसे मेरे बाकी के बैट्स होते हैं उसी तरह से इसको बनाया हुआ है। अब लास्ट मैं आपको इस पर टैप करके बताऊंगा हार्ड टेनिस बॉल से। ठीक है, तो ये हार्ड टेनिस बॉल है जो मैं हमेशा अपने हर बैट में यूज करता हूँ। अब इसकी टैपिंग देख लो, चेक करेगा इस फर्स्ट टैप बॉल बहुत ही ऊपर तक गया, ऑलमोस्ट बॉल जो है रूफ पे लग के आ रहा है, तो पंच बहुत ही तगड़ा है बैट का। एक बार मैं वापस से आपको बताता हूँ, राइट, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि बैट का स्ट्रोक कैसा रहेगा। तो गाइज अपनी इंक्वायरीज फटाफट भेजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर देने वाला हूँ, और ये ऑर्डरिंग जो है कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, बैट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अपने ऑर्डर्स फटाफट दीजिए, सिंगल ऑर्डर बल्क ऑर्डर दोनों दीजिए,
हम लोग दोनों करेंगे। तो व्हाट्सएप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने व्हाट्सएप को उठाइए, व्हाट्सएप पे फटाफट इंक्वायरीज लीजिए अपने बैग्स की। सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड 45mm, डबल ब्लेड 50mm, तीनों में ऑर्डर्स रहेंगे। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, दो चॉइस रहेगा आपको। स्कूप का कलर का चॉइस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैंडमली डिसाइडेड होगा, या तो गोल्डन कलर होगा या रेड कलर होगा, जो भी कलर होगा, बट बैग के कलर से मैचिंग होगा। तो आप ब्लैक कलर ऑर्डर करो या ब्लू कलर ऑर्डर कर सकते हैं बैग के लिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना बस। आपके ऑर्डर्स का इंतजार रहेगा मुझे, फटाफट ऑर्डर्स दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।